नमस्कार दोस्तों, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय सफल एवं महान लोगों को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 13 मई दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर शंपू राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 13 मई 2022 दिन शुक्रवार, आज की तिथि द्वादशी, आज का नक्षत्र हस्त नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:31 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:03 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इस समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:14 से सुबह 9:08 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है हल्का हरा और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सेहत अच्छी रहेगी, आज किए गए निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। आपका ज्ञान और हास्य प्रयास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। पुरानी यादों को जेहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, बस एक एक करके अपने महत्वपूर्ण कदम उठाने की आपको जरूरत है। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आपको काफी समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अचानक नए धन स्रोत का आपको लाभ मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बनाएगा। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। कार्य में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या कोई अच्छी खबर भी दे सकता है। बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिश्तेदार की एंट्री हो सकती है, जिसके कारण आपका समय थोड़ा बर्बाद हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानिया से पूरे भरे दिन का एक बार फिर से जी पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं आज के दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके अपने लिए लाभदायक रहेगा। आज आप परिवार में शुरू होने वाले किसी रोमांचक कार्य को लेकर बेहद उत्साहित रहेंगे। शादीशुदा लोग अपने रिश्ते में गलत फहमियों को ना आने दें। आपके प्रेम जीवन में आज के लिए मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। आत्मविश्वास अधिक होने के कारण अधिक ऊर्जावान दृष्टिकोण के लिए आप तैयार रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आज आपको धन लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। नई पार्टियों के साथ संपर्क बनाएंगे तथा व्यवसाय स्थल पर कुछ नए अनुबंध मिलेंगे। युवाओं को कल्पनाओं को दुनिया में समय नहीं गंवाना चाहिए। नौकरी में आपको अपने सहयोगियों को तालमेल बिठाकर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं शेयर कमोडिटी या किसी भी तरह के पुराने निवेश से आपको फायदा होने की संभावना है। जमीन जायदाद संबंधी निवेश करने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। घरेलू सुख सुविधाओं की वस्तुओं जुटाने में आप मगन रहेंगे। प्रेम प्रसंग काफी उम्दा रहने के आसार हैं। आपका समय प्रेमी से घंटों बातचीत करने में भी गुजर सकता है। तनाव की वजह से सिर दर्द हो सकता है। अधिक काम करने से बचें और आप पूर्ण आराम लें। कार्य क्षेत्र के चलते आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करेगी। जमीन जायदाद से जुड़ा बिजनेस करने वाले व्यापारी बंधुओं को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं मित्रों का साथ मनाएगा या जश्न आपको अत्यधिक आनंद देगा। आपके अतीत से कोई पुराना आपके संपर्क में आएगा जिससे आज का दिन आपका दिन यादगार का दिन बन जाएगा।
अपने जीवन साथी के साथ अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिन है। आकस्मिक लाभ होने की संभावना अधिक है। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आप अतिरिक्त आय करने में सक्षम हो पाएंगे। मित्रों और सहकर्मी में आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असीम विजय प्राप्त होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए भावनात्मक ताजगी और नवीनीकरण लाएगा। आपका मिजाज सकारात्मक होगा और आप दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव बनाने में सफल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, राजनीतिक से जुड़े लोगों को पद मिल सकता है, पारिवारिक माहौल यथावत रहेगा, प्रशासन से जुड़े लोग अधिक व्यस्त रहेंगे, अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करें, बिगड़े संबंधों में सुधार आएगा तथा पुराने कार्य बनने से उत्साह एवं प्रसन्नता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से आज आपको निजात पा सकते हैं। पुराने निवेशों के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। किसी सरकारी काम के लिए जा रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना आप ना भूलें। लव मेट के साथ आज आप कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। आज दिल खोलकर एक दूसरे से बातें शेयर करें। माता पिता के साथ किसी धार्मिक समारोह में जाएंगे, मानसिक शांति मिलेगी। बड़ों का आशीर्वाद लेकर आप घर से निकलें तो आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। या दोस्तों प्रेम के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों आप विवादों से दूर रहें और किसी के कहने पर आप कोई काम ना करें और ना ही किसी के दबाव में आकर करें। आपके प्रेम जीवन के लिए यह दिन उत्तम रहेगा। आज आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने प्रेमी प्रेमिका पर भी आपको भरोसा रखना चाहिए और एक दूसरे के आप साथ रहें, क्योंकि आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिन है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और साथ ही आपको बताएं कि आपके प्रेम जीवन को और भी अधिक अच्छा बनाए रखने के लिए आप उनकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज आप काम की वजह से आपको थोड़ी थकान पर कमजोरी महसूस होगी, इसके चलते आपको आराम करना चाहिए। और आपको बताएं कि आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।